राजस्थान के अंदर लगातार हॉस्पिटल्स की लापरवाही देखने को मिलती है और आज हम ऐसे ही एक मामले से आप सभी को अवगत कराने जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई बसवा रोड के अंदर कट्टा हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर कई प्रकार की लापरवाही के मामले दिन प्रतिदिन सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला आज हमारे सामने आया है जिसमें आप सभी को बता दूं कि वहां पर पीड़िता नसबंदी के लिए जाती है, लेकिन उस पीड़िता की नसबंदी करने की जगह वह कोई और नस काट देते हैं, और वो भी कोई और नस नहीं, ब्लड सप्लाई की नस को काट दिया जाता है। और उस ब्लड सप्लाई की नस को काटने के बाद में उस पीड़िता की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और मामला जयपुर के अंदर तक रेफर कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ पीड़िता के ससुर जयराम स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। तो जयराम, क्या है ये पूरा मामला? आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि मामला कब का है और आखिर इस मामले के अंदर क्या करवाने के लिए आप हॉस्पिटल में गए थे और हॉस्पिटल की क्या लापरवाही सामने आती हुई नजर आई है? सर, मेरी पुत्र वधु का नाम विमला देवी है और वर्ष 2017 में 9/2/17 की घटना है। 9/2/17 को मेरी पुत्र वधु आशा सहयोग इंदिरा पोसवाल के साथ नसबंदी कराने कट्टा हॉस्पिटल 11 बजे गई थी, जिसके साथ मेरा बेटा और मेरी घरवाली उनके साथ थी। जो ऑपरेशन कराते समय मतलब 11 बजे एडमिट की और 4 बजे छोड़ा। 4 बजे छोड़ने के बाद आनंद फालन में ना ब्लड जाता ना एनेस्थेटिक डॉक्टर दवा में, और उसके बाद में ऐसे उन्होंने 4:30 बजे ना रेफर टिकट दिया, ना नसबंदी की कोई फाइल आज तक दी, ना मतलब कि इन्होंने इतना मेरे को मारने की भी बेसमेंट में धमकी दी और कहते कि ये तो खैर बाद की बात है मारने की, रहे तो उस दिन आलन पालन में क्या करते हैं कि मेरे। जयराम जी, सबसे पहले आप शांत होइए और इस मैटर के बारे में आप स्टार्टिंग से बताइए कि ये मैटर आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई और इस मैटर के अंदर आखिर क्या क्या हुआ? सर, 9/2/17 को मेरी पुत्र वधु नसबंदी कराने आशा सहयोगिनी इंदिरा पोसवाल के साथ कट्टा हॉस्पिटल गई। बिल्कुल। 11 बजे एडमिट कर ली। बिल्कुल। 11 बजे एडमिट करने के बाद जो भी जांच होती है कि यानी कि खाली पेपरों पे नसबंदी के पे साइन कराए हुए थे, जो मेरे को बाद में मालूम चला, मेरा बेटा राकेश कुमार व मेरी पुत्र वधु विमला देवी आशा से होगी इंदिरा पोसवाल और शांति देवी मेरी वाइफ जो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन 4 बजे तक इसको अंदर रखा अपने उसमें और स्वयं के स्तर पर जब नसबंदी नहीं हुई और गलत नस काट दी गई, उसके बाद में 4 बजे तक अपने द्वारा ही पेट चीरा और उसको अपने स्तर पर ठीक करने की कोशिश की। लेकिन किस प्रकार की नस को काटा गया? ब्लड सप्लाई की नस को काट दिया सर, नसबंदी की ना करके ब्लड सप्लाई। और उसके बाद में उन्होंने खुद ने उसको सही करने की भी कोशिश की? उन्होंने खुद के स्तर पर, स्वयं के स्तर पर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं होने के बाद जब 4 बजे घबराए हुए निकले बताए और मेरी वाइफ को और जो आशा सहयोग उनसे कहा कि भाई इनको ऑपरेशन गलत हो गया है और इसकी कोई ब्लड सप्लाई की नस कट गई है, इसको जयपुर SMS रेफर करना पड़ेगा, आप तुरंत तैयार हो जाओ, तो इन्होंने वहीं से एम्बुलेंस में इनको जयपुर रेफर कर दिया। जयराम, एक मिनट आप रुकिए, क्योंकि इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडवोकेट राजेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। तो राजेंद्र, क्या ये पूरा मामला कि अभी 2017 से लेकर के ये मामला चल रहा है और इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ है? सर, इसमें जो पीड़िता थी विमला देवी, उसका नसबंदी का जो ऑपरेशन इन्होंने बिगाड़ दिया और अनऑथराइज रूप से उसका पूरा पेट चीर दिया, इसके संदर्भ में जो डॉक्टर की लापरवाही आई, इसकी इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तब हमारे जानिब से इसमें 119 CRPC में इस्तगासा दायर किया, कंप्लेंट कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके अंदर पीड़िता के और बाकी जो भी गवाह हैं उनके बयान अभी लिए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा। जिस डॉक्टर ने, SMS के डॉक्टर ने जो मेजर ऑपरेशन किया है, उसको तलब कर रखा है कि क्या ये नेग्लिजेंसी का मामला है या नहीं है, तो वो उस तरह के बयान के लिए ये फाइल अभी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन राजेंद्र, इस मामले को लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये मामला 2017 का है, और इस मामले के अंदर आखिर अब तक क्या क्या सुनवाई हुई है उस बारे में बताइए। नहीं सर, सुनवाई हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से दो बार ये 2 साल निकल गए इसमें, कोरोना की वजह से। इसमें नियमित रूप से ये जो SMS के डॉक्टर हैं वो इसमें तलब कर रखा है कोर्ट ने, लेकिन वो भी आए नहीं। जैसे ही आएंगे उनके बयान हो जाएंगे, उसके बाद में कोर्ट उसमें प्रसंग ले सकता। लेकिन राजेंद्र, वहीं आप इस मामले के अंदर वकील हैं,
तो आपके पास लगभग सारे तथ्य मौजूद होंगे। तो आपको इस मामले के अंदर कौन दोषी लग रहा है? बिल्कुल, जो हॉस्पिटल का निदेशक है उसकी सीधी सीधी लापरवाही है, और इस पीड़िता के जिसका ऑपरेशन एक बस छोटे से एक टांके से ऑपरेशन होता है, उसमें वहाँ पूरा पेट चीर दिया गया है। और ये इसी इसी पीड़िता का दुर्भाग्य है कि इसको कहीं से गवर्नमेंट से या कहीं से कोई ऐड नहीं है, कोई जितना इसका लाखों रुपए का इलाज में खर्च हो गया तो कोई जिम्मेदार नहीं है, तो डॉक्टर कहीं डॉक्टर ही जिम्मेदार है। और उसके विरुद्ध क्योंकि वो रसूखदार है, ना उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज होने दी, तब जाके ये लोग कोर्ट आए। अब कोर्ट में ये कोरोना की वजह से देरी ना हुई तो अभी मामला पेंडिंग है, और शीघ्रता शीघ्र जैसे ही डॉक्टर आएगा SMS वाला, तो उसमें आपके प्रसंज्ञान लेगा कोर्ट। चलिए राजेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए इस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी मामले पर जयराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जयराम, अभी आप बता रहे थे कि आप पीड़िता को लेकर के SMS हॉस्पिटल के अंदर गए थे, लेकिन जब आप उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जा रहे थे, तब आपको पता था क्या कि उनके पेट में चीरा लगाया गया है या फिर सीधे ही उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर के जाया गया? नहीं सर, हमें बताया नहीं पेट चीरा, जहाँ तक कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद हमें तो बस जयपुर आके पता चला, जिसमें डॉक्टरों ने उनसे मांगा भी इसकी ब्लड जांच, इन्होंने ब्लड भी जांच नहीं कर रखा था, ब्लड जांच नहीं कर रखा था। ऐसे में वहाँ पे है ना, रामकृष्ण जोशी हॉस्पिटल है दोस्तों, वहाँ सैंपल भेज के, और तब तो ब्लड रास्ते में हमें सप्लाई दिया। फिर उसके बाद में हम जयपुर SMS में आ गए, जहाँ 5:30 बजे एडमिट कराई मेरी पुत्रवधु को इन्होंने। सिर्फ मेरी घरवाली थी और मेरा बेटा था, और कोई नहीं था ब्लड मैनेज करने वाला। मेरा बेटा एक छोटा अशोक नाम है, जो नर्सिंग स्टाफ था, जो उस टाइम पे यहाँ हमारे दुकान है बांदीकुई माँ लक्ष्मी मार्बल एंड टाइल की, उस पे कार्यरत था। और उसको मालूम चला तो अपनी गाड़ी खुद की लेके, 2-4 रिश्तेदारों को लेके वो वहाँ से चला। और उनको नर्सिंग स्टाफ होने की वजह से यहाँ ब्लड कहाँ कहाँ मिलता है, खुद भाग दौड़ करके मैनेज किया। ये तो भर्ती करा के अपनी एम्बुलेंस लिए भाग गए, किसी प्रकार तो के भाई को हेल्प जब नहीं की। आपको पता चला कि SMS के अंदर आपने भर्ती कराया, तो SMS के स्टाफ का क्या कहना था कि ये हॉस्पिटल की गलती है कट्टा हॉस्पिटल की, या फिर कट्टा हॉस्पिटल की गलती नहीं है? क्योंकि जब तक तो आप हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, तब तक तो आप पेशेंट के साथ में थे। जब हॉस्पिटल का SMS हॉस्पिटल का आखिर इसमें क्या कहना था? SMS हॉस्पिटल का कहना था, डॉक्टर सुमिता एजैन जी जो हेड यूनिट है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमारी पुत्र वधु को बचाई। मैं उनको बहुत ही, वो ऐसे डॉक्टर एक भगवान होता है, लेकिन वो एक कसाई है। डॉक्टर सुनील कट्टा एक कसाई है, उसकी बीवी सिप्रा कट्टा है, एक अन्य डॉक्टर है जो भी संगीत घेरे में है। मेरे हिसाब से मैं उसकी भी जांच करवाना चाहूंगा, क्योंकि उसकी डिग्री के विषय में मेरे को अभी संगीत घेरे में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आपको पता चला कि कट्टा हॉस्पिटल ने लापरवाही बरती है, हाँ तो आपको इस बारे में आखिर पता कैसे चला? या तो SMS हॉस्पिटल के द्वारा आपको पता चला होगा कि वहाँ पे उनके ब्लड सैंपल नहीं लिए गए, या फिर उन्होंने सही प्रकार से जांच नहीं की गई। हमारा जानना यह है कि आखिर आपको ये पता कहाँ से चला घटना का, कि कट्टा हॉस्पिटल की इसमें लापरवाही है? वो यहाँ पे आके कहते हैं ब्लड जांच दो। अब हमारे कुछ ना कागज दिए ना कुछ, तो ब्लड जांच हम कहाँ से दे दें? तो फिर हमसे तीन यहाँ पे वो पीड़िता के लिए लिखवाया कि OTW मौत हो जाएगी इसकी, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी हो गई। इसका ब्लड जांच नहीं है, बाहर की संस्था से मंगा के चढ़ा रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी आपकी हो गई। और इस आपके द्वारा किसी कोई कागज नहीं है, इसकी ब्लड जांच नहीं है, तो आप अपने स्वयं की हमारे से, मतलब बिटनी से, मेरे बेटे अशोक से और राकेश कुमार से, और इसका ऑपरेशन आलन फालन में चालू करके और इनकी जान बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ रक्षक ही भक्षक बनता हुआ दोबारा से नजर आया है। तो इस मामले के अंदर आगे और क्या कार्रवाई होती है, हम आप सभी को इससे अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।